Hey everyone, this is Krypton Krish. Guys, welcome back to another video of Binomo. Guys, आज की वीडियो में हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं बिनोमो की. मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाली है बिनोमो की. मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ डाली हुई हैं, आप लोग चेकआउट उनको भी कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्ले लिस्ट की लिंक डाल दूँगा, आई बटन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी. तो बेसिकली आज की जो स्ट्रैटेजी होगी भाई, उस पर भी मैंने वर्क करा है. जैसे आप लोग को पता है, मैं हर स्ट्रैटेजी पर पहले खुद वर्क करता हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करता हूँ. तो भाई वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई. उससे थोड़ा मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर बिनोमो की वीडियोस पर लाइक जताएंगे तो फिर मैं बिनोमो की वीडियोस और बनाऊंगा. तो आप लोग समझ गए होंगे. तो बेसिकली भाई नॉर्मल रहता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सब कुछ, पर आज की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी. मतलब हम MACD और जो है अपना पैराबोलिक SAR को यूज़ करके हम लोग अपना स्ट्रेटजी को मतलब एग्जीक्यूट करेंगे. तो गाइस सिंपल आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी बिनोमो की. सिंपल आप लोग यहाँ पर से अगर अपना अकाउंट बना सकते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रायल डेमो वगैरह देखने को मिल जाएगा. आप लोग इसको रीड कर सकते हो. बेसिकली यहाँ पर आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा बिनोमो के बारे में. तो मैं फटाफट से आपको मेरा अकाउंट खोल के स्ट्रेटजी एक्सप्लेन. तो गाइस मैं अपने बिनोमो स्क्रीन पर आ चुका हूँ. मतलब मैंने अपना बिनोमो अकाउंट खोल लिया है और मैंने वो स्ट्रेटजी अप्लाई करी हुई है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. तो यहाँ पर से आप देख सकते हो भाई, मैंने पैराबोलिक SAR जो है मतलब उसका मैक्सिमम जो होता है वो मैंने 0.3 रखा है और मिनिमम 0.03 रखा है. और जो MACD है उसको मैंने 12, 9 और 1 रखा है. मतलब फास्ट पीरियड 12 और सिग्नल पीरियड 9 और स्लो पीरियड 1 रखा है. तो बेसिकली आप भाई सिंपल कॉपी कर लेना इसको और आपकी स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी. अब इस स्ट्रेटजी का मैं आपको मतलब पहले ही बता देता हूँ. आप लोग को पहले ग्राफ देखना है जो बिल्कुल मतलब जो नॉन वोलेटाइल ग्राफ होंगे उसमें ही अप्लाइड होगी. क्योंकि यार ज़्यादा वोलेटाइल ग्राफ होंगे तो उसमें आप लोग को भी पता है स्ट्रेटजीज नहीं अप्लाई होती, उसमें आपको जो अगर ट्रेडिंग का नॉलेज होता है उसको ही वर्क करना पड़ता है. पर मैं स्ट्रेटजी इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग अगर बिगनर हो तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इन सब चीज़ों से भी. तो मैं अगर आपको अब कोई और सी जो है दिखाऊँ, मतलब यहाँ पर भी पर इतना ये ग्राफ वोलेटाइल ज़्यादा है, तो मैं कोई और जो है आप लोग को एसेट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ. मैं बेसिकली आपको पहले स्ट्रेटजी समझा देता हूँ. तो आप यहाँ पर MACD में देखो तो जो है हमारी येलो लाइन है उसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया रेड लाइन को. और इसी के जस्ट हम अगर ऊपर देखें तो पैराबोलिक SAR ने भी हमको इंडिकेशन दिया कि कुछ टाइम के लिए ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है. तो अगर हम यहाँ पर एक मिनट का ट्रेड लगाते हैं तो बढ़िया रहता. तो पहले तो हम यार टाइम फ्रेम को एक मिनट कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को ज़्यादा आसानी हो मतलब ट्रेड्स लेने में. तो यहाँ पर भी आप लोग को मैं अगर सेम चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है पर ग्राफ उतना अच्छा नहीं है, तो हम कोई और एसेट सेलेक्ट कर लेते हैं. बस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुझे लग रहा है अब जाएगा. तो मैं 2 मिनट का ट्रेड लगाता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो लेट्स सी क्या होता है. अब यहाँ पर मुझे क्यों लगा, देख सकते हो पैराबोलिक SAR ने भी हमको यहाँ से इंडिकेट करना चालू कर दिया था और इंटरसेक्शन भी हो गया था. तो अब मुझे लगता है कि अब ही जाएगा, लेट्स सी क्या होता है. स्ट्रेटजी वर्किंग लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और इतना ही था इस वीडियो में. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो. और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन भी मैं रीड करता हूँ. मतलब वहाँ पर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हो. तो चलो गाइस, बाय बाय.